टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत में अभी इक्का दुक्का दिन ही बचे हैं। ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट ये चाहेगी कि टेस्ट टीम में शामिल सभी खिलाड़ी फिट रहे, खासतौर पर वो खिलाड़ी जो इस सीरीज के दौरान टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। ऐसे में एक खबर ऐसी सामने आ रही है जो टीम इंडिया के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। दरअसल टीम इंडिया के एक प्रमुख गेंदबाज को चोट लगी है, हालांकि ये चोट मामूली बताई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके ये खबर है तो परेशान करने वाली, क्योंकि जो गेंदबाज चोटिल हुए हैं वो है टीम इंडिया के सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन। आपको बता दें, अश्विन को गुरुवार की सुबह अभ्यास सत्र के दौरान दाएं हाथ में चोट लग गई, जिसके बाद उन्होंने एहतियात के तौर पर अभ्यास मैच के दूसरे दिन गेंद, बल्लेबाजी और फील्डिंग नहीं करने का फैसला लिया। भारतीय टीम प्रबंधन ने कहा कि फिजियो की अश्विन की चोट पर नजर है। प्रबंधन का कहना है कि उन्हें मामूली चोट लगी है। बहरहाल टीम फिजियो के मुताबिक अश्विन को लगी चोट मामूली है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अश्विन इंग्लैंड की टीम के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान आराम कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये टीम इंडिया के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अश्विन पहले टेस्ट मैच के लिए फिट हो पाते हैं या नहीं। आपको बता दें, टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 1 अगस्त को बर्मिंघम में खेला जाएगा।